फाइंडिंग योर पर्सनल स्टाइल इज मोर देन जस्ट अबाउट फॉलोइंग ट्रेंड्स इट्स अबाउट डिस्कवरिंग की क्या चीज आपको कॉन्फिडेंट कम्फर्टेबल और यूनिक फील करवाता है आपका स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी लाइफ स्टाइल और जो इमेज आप दुनिया को दिखाना चाहते हो उसके बारे में बहुत कुछ बताता है चाहे आप अपने वार्ड्रोप को चेंज करने का सोच रहे हो या बस अपने लुक को फाइन ट्यून करना चाहते हो सो so, इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे जो आपकी स्टाइल डिफाइन करने में हेल्प करेगी और इंश्योर करेगी कि आपका स्टाइल आपको ऑथेंटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हो सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो जब बात आती है अपना पर्सनल स्टाइल ढूंढने की द फर्स्ट थिंग आपका फोकस होना चाहिए इज योर आइडेंटिटी आपका स्टाइल आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी इंटरेस्ट प्रोफेशन और आप अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हो सोचो कि आप किस तरह का वाइब देना चाहते हो क्या आपको कैजुअल और लीडबैक रहना पसंद है या फिर आपको थोड़ा ज्यादा पॉलिस्ड और फॉर्मल लुक अच्छा लगता है या शायद आप इन दोनों का मिक्स हो तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है आपको बस कुछ वर्ड्स लिखना है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता हो जैसे कि क्या आप क्रिएटिव हो बोल्ड हो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाइब्रेंट मिनिमलिस्टिक एडवेंचरस या फिर सोफिस्टिकेटेड हो एक बार जब आपको पता लग जाए कि आपकी क्या आइडेंटिटी है देन इट बिकम्स मच टू चूज जो आपके ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन करता हो लेकिन अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अपने पर्सनैलिटी को समझने में ये अपने न्यू स्टाइल को कैरी करने में देन आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ड्रेस करो मतलब आप जो भी काम करते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर हो इंजीनियर हो लॉयर हो बिजनेस पर्सन हो सेल्स पर्सन हो या जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड कोई हॉलीवुड मूवीज देखो और उस कैरेक्टर को नोटिस करो कि जब वो ऑफ ड्यूटी होता है तो वो किस टाइप की ड्रेसिंग करता है शायद आपको वहां से एक आइडिया मिल जाएगा अपने आउटफिट्स को फाइन ट्यून करने का नव सेकेंड इज द मिनिमलिस्ट अस्थेटिक दिस स्टाइल इज ऑल अबाउट सिंप्लिस अप्रोच होता है चीजों को सिंपल क्लीन और इंटेंसनल रखना इसका मतलब है कुछ ऐसे पीसेस चूज करना जो वर्सटाइल और टाइमलेस हो ताकि आप उन्हें mix and match कर सको एक मिनिमलिस्टिक वार्ड्रोब फोकस करता है high quality basics पर जो आप डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हो सोचो न्यूट्रल कलर क्लासिक फिट्स और ऐसे आइटम जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता जैसे क्रिस्प व्हाइट शर्ट वेल फिटेड जीन्स बेसिक ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट या एक ब्लैक ब्लेजर ये पीसेस आपकी का फाउंडेशन बनते हैं जो आपको डिफरेंट लुक बनाने में हेल्प करते हैं बिना ज्यादा कंफ्यूजन के मिनिमलिज्म आपको इनकरेज करता है कि आप कम लेकिन बेटर आइटम में इन्वेस्ट करो हर ट्रेंड के पीछे भागने की वजह क्वालिटी को प्रायोरिटी दो इससे न सिर्फ आपके पैसे बचेंगे बल्कि आपको एक सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनाइज वार्ड्रॉप भी बने नंबर थ्री डिफाइन योर प्रीफ्रेंसेस फोकस ऑन फिट एंड कॉम्फर्ट ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे कपड़े पहनो जो आपकी बॉडी शेप को शूट करे और सबसे इम्पोर्टेंट आपको कॉन्फिडेंट फील करवाए देखो कि कौन सा कट्स और फिट्स आप पे सबसे अच्छा लगता है कलर प्लेट है लुक फॉर कलर्स जो आपके कॉम्प्लेक्शन पे बेस्ट शूट करता हो और आपको कॉन्फिडेंट फील भी करवाता हो बिकॉज ये आपके लुक को काफी इनहस करता है जैसे कुछ लोग वार्मोन्स में अमेजिंग लगते हैं तो कुछ लोग कूल सेड्स प्रीफर करते हैं ये टोटली आपके स्किन टोन पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर आपकी नेचुरल ब्यूटी को एनहेंस करे सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि हाउ टू फाइंड योर स्टाइल